हेलो दोस्तों, फाइनली वो घड़ी आ गई है जब मैं आप लोगों को होंडा CBR 150R की लॉन्चिंग के बारे में और इंडियन वर्जन के स्पेक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग में से इस बाइक के बारे में पूछते हो कि आखिर कब तक आएगी। थोड़ा सा डिटेल में समझा दो कि यार लॉन्चिंग कब तक हो सकती है, कब होगी, उसके अलावा इंडियन वर्जन में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेट जी आदि और मैं अपने सही भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के अंदर। अब वीडियो स्टार्ट करने के साथ मैं इस बाइक के थोड़े से हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। उसके बाद हम लॉन्चिंग डिटेल के बारे में बात करेंगे। इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको DOHC सेटअप देखने को मिलता है और R5 में आपको SOHC सेटअप देखने को मिलता है। DOHC सेटअप इंजन थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं SOHC से। मैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्या फ़र्क होता है DOHC और SOHC में, बिल्कुल ही सरल भाषा में, मतलब सिंपल वर्डों में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसकी पावर फीयर की बात करें तो इसमें आपको 17 BHP की पावर, उसके साथ ही 14.4 Nm टॉर्क मिलता है। पावर फीयर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है R5 की तुलना में, तो आपको टॉप स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी CBR में R5 के कंपेरिजन में। इसकी अगली चीज़ की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देखने को मिल जाता है। एक नया फीचर इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आप इमरजेंसी में जब भी बाइक का ब्रेक प्रेस करेंगे तो जो रियर इंडिकेटर्स हैं और जो फ्रंट इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही फास्टली ब्लिंक होंगे, ताकि आपके आसपास की जो गाड़ी है, खास तौर से पीछे आपके पीछे जो कार और बाइक चल रही है, उनको समझ में आ जाए कि यार इमरजेंसी स्टॉप लिया है सामने वाले बंदे ने। अब इसके अगले फीचर की बात करें तो इसमें आपको न्यू फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि डार्क शेड के साथ आता है। थोड़ा सा डार्क है मीटर और मुझे ये काफ़ी पसंद आया है डार्क शेड के अंदर, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डार्क चीज़ें काफ़ी पसंद आती है, शायद इसलिए। इसके अलावा मीटर के अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, लगभग सभी इन्फॉर्मेशन, जैसे गियर इंडिकेटर, RPM वगैरह जो भी होती है सब। इसके अलावा इसके अगली चीज़ के बारे में बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में फुली LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, उसके साथ ही आईब्रो के टाइप में यहाँ पर DRL दी हुई है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लगती है, खूबसूरत लगती है बाइक देखने में। इसके अलावा साइड में आपको फुली एग्रेसिव फेयरिंग देखने को मिल जाती है, मतलब फेयरिंग इसकी काफ़ी एग्रेसिव लगती है। सिंपल एक होती है ना, जो पुरानी वाली CBR 150 थी वो काफ़ी सिंपल लगती थी, काफ़ी बेसिक लगती थी, लेकिन ये बाइक उससे काफ़ी हटके है और लुक भी काफ़ी डिफरेंट है इस बाइक का उससे, और इसलिए इंडिया के अंदर इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसकी लुक ही सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। इसके अलावा आपको रियर में भी LED टेलाइट देखने को मिल जाती है। और अब इसकी अगली चीज़ की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है बाइक के अंदर। तो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्रेक अच्छे मिल जाते हैं, उसके साथ ही इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसकी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और रियर में आपको प्रोलिंक मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स नहीं मिलते हैं, वो तो R5 में भी नहीं मिलती है इंडियन वर्जन में, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी अच्छे हैं इंडियन रोड के हिसाब से। इसके अलावा अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस और लॉन्चिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से। प्राइस मैं आपको एक बार बता दूँ, इस बाइक के लगभग आपको एक्सोरूम प्राइस मिलेगी 1,44,000 या फिर 1,46,000 के आसपास, 1,44,000 से 1,46,000 के आसपास एक्सोरूम, उसके अलावा 1,65,000 से 1,70,000 तक आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी। अब इसकी लॉन्चिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यार ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो, इंडिया के अंदर अभी तक होंडा ने कोई भी क्ल्यू नहीं दिया है, कोई भी हिंट नहीं दिया, ना ही कोई डेट दी है कि इस बाइक को लॉन्च करेंगे इस टाइम, ऐसा कुछ भी होंडा ने नहीं बताया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रॉपर बताना चाहूँगा कि देखो, होंडा ने अपनी CBR 150R, जो कि इंडिया में कुछ टाइम पहले चलती थी, जब BS4 नॉर्म्स आए थे तो उसको बंद कर दिया गया था। उसको बंद करने का रीज़न यार ये नहीं था कि वो BS4 नॉर्म्स को पार नहीं कर सकी, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। उसे आराम से होंडा BS4 में बना सकता था, जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं बना सकता था। कुछ जगह मैंने ऐसे रीज़न देखे हैं कि BS4 नॉर्म्स को पार नहीं कर सकी, इसलिए वो बंद हुई। ऐसा नहीं है, वो इसलिए बंद हुई है क्योंकि उसको कम पसंद किया जाता था, उसकी सेल काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि इसकी लुकिंग यार काफ़ी सिंपल लगती थी लोगों को, काफ़ी बेसिक लुकिंग के साथ आती थी, और R5 वहीं पर आपको काफ़ी स्टाइलिश लुक देती थी। और जो फीचर वाइज भी अगर आप देखते हो, जो फीचर वाइज भी R5 में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलते थे, उसमें आपको किल स्विच तक देखने को नहीं मिलता था CBR के अंदर। तो यार ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट था उस बाइक के लिए, और उसका फ्लॉप होने का रीज़न भी यही था। हाँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी उस बाइक की, लेकिन फीचर वाइज को ज़्यादा पॉपुलरिटी उस बाइक ने हासिल नहीं की थी और लोगों को कम पसंद थी, तो इस वजह से होंडा ने वो बंद कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी। और अब होंडा ये नई वाली होंडा CBR 150R है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, उसका रीज़न यही है
क्योंकि उनको डर है कि कभी उसकी तरह ये बाइक भी फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि यार देखो, बाइक DSX नॉर्म के साथ आ चुकी है, नई वाली CB R 150R, और इंडिया के अंदर होंडा की कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो कि 150cc सेगमेंट में सबसे प्रीमियम बाइक हो, मतलब लिक्विड कूलिंग इंजन के साथ आती हो या फिर एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हो, जहाँ पे R5 आई हुई है, टिकी हुई है। उसके साथ ही कुछ दिनों में एप्रिलिया की RS भी आने वाली है, तो इस सेगमेंट में होंडा बाइक ज़रूर लेके आएगा, ये मुझे लगता है। बाकी इस चीज़ को मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता हूँ यार, देखो जो है मैं आपको वही चीज़ें क्लियर बताऊँगा। बाकी अगर ये बाइक आनी होगी इंडिया में तो आने वाले 7 से 8 महीने के आसपास आ जाएगी, लगभग इस साल के एंड में आ जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। अगर तब तक ये बाइक इंडिया में नहीं आती है तो उसके बाद उम्मीद ना रखो तो ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। ये मैं आपको कैसे बताऊँ यार, मुझे खुद बुरा लगता है कि ये बाइक नहीं आएगी, लेकिन 90% चांस है आने के, ऐसा नहीं समझना कि आनी ही नहीं है, 90% चांस आने की है। तो यार ये कुछ था जो कि मैंने आपको बताना था। मैंने काफ़ी वेबसाइट पे भी देखा है, काफ़ी इस बाइक के बारे में जानना है, मतलब देखा है कि लॉन्चिंग के बारे में कैसा क्या अपडेट है हर वेबसाइट पे लेके, उसके बेस पे मैंने आपको बताया। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई अपने बाइक की और कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक की आईडी डाल रखी है, वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, बस ये बोलना था आपको लास्ट टाइम।